वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मैं फिर आ गई हूँ आप सभी के सामने एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल हमने आपको बताया था कि आप लौकी के पकौड़े कैसे बनाएं, तो उन्हीं पकौड़े से हम लौकी के कोफ्ते की सब्जी कैसे बनाएंगे वो बताएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने कोफ्ते की सब्जी बनाने के लिए दो बड़े साइज के प्याज लेके रखे हुए हैं। यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ का अदरक लेके रखा हुआ है, खूब सारा लहसुन लेके रखा हुआ है और तीन बड़े टमाटर लेके रखे हुए हैं। तो बस इनका मैं पेस्ट बना लूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लौकी को कद्दूकस करके रखा हुआ है। और लौकी के कोफ्ते, लौकी के पकौड़े वाली रेसिपी आप मेरी कल वाली वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आज सिर्फ मैं सब्जी बनाना बताऊंगी आपको, तो कोफ्ते की रेसिपी के लिए मेरी कल वाली वीडियो देखिए। तो बस यहाँ पे मैंने ज़ीरा डाला है, कढ़ाई में ऑयल लेके रख लिया था। अब यहाँ पे जो मैंने प्याज रफली चॉप और फाइनली चॉप करके रखी हुई थी, मैं उसको इसमें डाल दूँगी और लाइट ब्राउन होने तक इनको सौटे करूँगी। उसके बाद बस हमें डालने हैं इसमें मसाले। यहाँ मैं डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर, एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। ध्यान रखें हमारे लौकी के कोफ्ते में भी नमक होते हैं, तो नमक की क्वांटिटी आप देख के चलिएगा, उस अकॉर्डिंग अपने सब्जी में नमक डालना। तो बस अब इसमें मैं डालूँगी पानी ताकि हमारे मसाले अच्छे से पक जाएं। बस मसालों को अच्छे से पकने देना है, तब तक जो हमारे मसाले हैं वो ऑयल ना छोड़ दें। तो जैसे ही हमारे मसाले पक जाएं, जो हमने टमाटर का पेस्ट बना के रखा हुआ था उसको इसमें डाल देंगे। बस हमारे मसाले एकदम तैयार हैं। यहाँ पे मैंने जो पानी है उसमें मैंने एक चम्मच बेसन डाला था, उसका पानी मैं इसमें डाल रही हूँ। अब मैं नॉर्मल पानी नहीं डाल रही हूँ, आप पानी में एक चम्मच बेसन डालिए उसके बाद पानी डालिए। तो बस इसको बहुत अच्छे से बॉईल करना है, खूब अच्छे से, तब हमारा ग्रेवी बॉईल हो जाए। उसके बाद जो हमने कोफ्ते तैयार करके रखे हुए थे हम कोफ्ते को इसमें डाल देंगे। तो बस कोफ्ते डालने के बाद 10 से 15 मिनट तक हमें इसको कुक करना है और उसके बाद इसको सर्व कर लेना है। तो ये लीजिए गाइस, मेरी मज़ेदार सी लौकी के कोफ्ते की सब्जी बनकर एकदम तैयार है। आप भी इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे स्टाइल में डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगी। तो बस गाइस, इसी तरीके की और भी नई रेसिपीज़ मैं लेके आती रहूँगी। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और गाइज, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं नीचे अपनी आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं। अगर आपकी कोई स्पेशल डिमांड है कि आपको ये वाली रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वो भी आपके सामने जल्दी लेके आ जाऊंगी। ऐसी नई वीडियोस मैं डेली लेके आती हूँ, आप मुझे अपनी डिमांड बताइए, मैं आपके सामने रेसिपी पेश कर दूंगी। तो गाइस, बस आज के लिए इतना ही। अपना सपोर्ट, प्यार और दुआ मेरे पे बनाए रखें, ऐसी नई वीडियोज़ आपके सामने आती रहेंगी मज़ेदार सी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।